क्लैशिंग विद डिजिटल्स में आप सभी का स्वागत है और हमारा एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो गाइस आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा कि इस बार हम वीडियो में बात करेंगे कि सिक्स मैक्स रोस्टर के सामने क्लैश ऑफ क्लैंस के ऑल ट्रूप्स जो बिल्डर बेस के हो या फिर होम विलेज के टिक पाते हैं या फिर नहीं टिक पाते। हमने अपने अगले वीडियो में दिखाया था इन्फिनोटार्स के सामने, तो इस बार हम देखेंगे रोस्टर के सामने। तो चलो गाइस ये वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर से हम सभी को पता ही है यहाँ लिखना पड़ता है बार बार, सभी को पता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये सब लिखने में। तो चलो ये हमने स्टार्ट कर देते हैं अपना भी अटैक। तो फिर हम पहले से ही सब ट्रूप्स बना के रखे हैं, देख लीजिए। हमने बार्बेरियन वो सब नहीं बनाया क्योंकि वो कुछ काम के तो है नहीं वैसे भी। तो फिर ये देख लीजिए विज़ार्ड रखा हमने, ये हीलर रखी यहाँ पे। हीलर क्या करेगी, कुछ नहीं, किसको हील देगी भाई, तो किसको। ये हमने ड्रैगन रखा है यहाँ पे, ड्रैगन ने स्टार्ट तो किया है कुछ लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अब यहाँ पे हमने पैका रख दिया है, पैका की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा है लेकिन वो सिक्स रोस्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। उस अकेले ने थोड़े से के लिए रह गया एक रोस्टर, अब ये ख़त्म हो जाएगा रोस्टर। एक रोस्टर तो होम विलेज के आधे ट्रूप ने ख़त्म कर दिया ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि एक अभी माइनर बचा है। और अब लिमिटेड एडिशन के कुछ ट्रूप्स है जो उसमें आइस विज़ार्ड है, बार्बेरियंस है, और ये तो क्या बाहर निकलने वाले थे क्या भाई। ये पम्पकिन बार्बेरियन है, फिर ये जायंट सेल्डेंस जो इसका बॉम्ब अंदर टूटा, तो मेरे को लगता है कि एक रोस्टर तो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा ही होगा कि इसका स्केलेटन का बॉम्ब फूटा और इन्फिनो टावर्स की हेल्थ थोड़ी सी के लिए रह गई थी। तो देखते हैं कि ये मरने वाला है, ये रोस्टर तो ख़त्म हो जाएगा लगता है मेरे को। ये रोस्टर ही गया, ये सिर्फ साइज मशीन, ये तो वॉल तोड़ेगी भाई। क्या भाई ये वॉल तोड़ने को लिए तेरे को बुलाया था यहाँ पे, चल भाई जल्दी मर जल्दी मर, पूरा टाइम वेस्ट कर रही है ये तो हमारा। चल भाई जल्दी जल्दी, ये वॉल तोड़ने के बाद अब तो रोस्टर के सामने ये आ चुकी है। अब देखते हैं कि ये क्या कर पाती है। इसने एक रोस्टर ख़त्म कर दिया रे भाई, अब सिर्फ हमारे पास तीन ही रोस्टर बचे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर से वॉल तोड़ने लग गई। चलो अभी हम फ्लाइंग साइज मशीन वो रख देते हैं। चलो लगता है कि इस बार रोस्टर तीनों के तीनों ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब तीन ही बचे हैं और हमारे पास इतने सारे अभी भी तो ट्रूप्स है, यानी कि इस बार लगता है कि रोस्टर ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये इलेक्ट्रो ड्रैगन रखते हैं हम, इलेक्ट्रो ड्रैगन शायद एक रोस्टर तो तोड़ना ही चाहिए क्योंकि ये क्लैश ऑफ क्लैंस का नया ट्रूप्स है, तो कुछ काम का तो होना ही। इतने तो एक तोड़ दिया बे, अभी देखते हैं। अभी दो रोस्टर हमारे पास, ये दूसरा भी इलेक्ट्रो ड्रैगन ज़्यादा हीट बहुत देरी से लेता है लेकिन इसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज लगाता है ये एक हीट में ही, और ये दूसरा हीट लेगा और ख़त्म। आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे ट्रूप्स अभी तो मेरे बाकी थे और रोस्टर ख़त्म हो गया। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल में कुछ ना कुछ कॉमेंट कर दीजिए कि आपको क्या ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो हम ऐसे और ज़्यादा मज़ेदार वीडियो आपके लाते रहेंगे। इस बार के वीडियो का हम लाइक एम हर बार जैसे आप 200 ही रखते हैं, ज़्यादा हम लालची नहीं बनना चाहते। तो सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। होप यू गाइस आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।